नाम मेरा बिशन बहादुर छेत्री है। मेरी ये तकलीफ परेशानी मेरे को पिछले साल 2020 से मेरे को अक्टूबर से मालूम चला मेरे को कि मेरे पास ये है कि मेरे यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया था। 2020 में अक्टूबर में पापा को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उसके बाद हम अदर हॉस्पिटल में गए, लेकिन वहाँ भी जब हम लोग को बिल्कुल वहाँ पे ट्रीटमेंट ढंग का नहीं मिला, तो फिर हमें किसी ने मैक्स में सजेस्ट किया कि डॉक्टर दीपक गर्ग हैं वहाँ पर, यूरोलॉजिस्ट हैं, तो हम उनके कंसल्ट में आए। हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। ब्लैडर कैंसर एक बहुत ही जिसे मैं कहूँ बुरी बीमारी है। अगर किसी इंसान को ब्लैडर कैंसर होता है तो उसके लिए वो बीमारी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ड्रेनेज के साथ साथ एक उसके लाइफ स्पैन को भी कम करता है। तो ऐसी एक बुरी बीमारी जिसको TCC मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर के साथ बिशन बहादुर हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में आए, उनको डायग्नोसिस ब्लैडर कैंसर का किसी दूसरे हॉस्पिटल में हुआ था। बट क्योंकि वो एक बहुत हाई रिस्क पेशेंट था, उनका हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन था बहुत कम था, तो मतलब काफ़ी मोह था। हम लोग बहुत थोड़ा सा मतलब मोह थे, घबराए हुए थे। तो नॉर्मली उनको हर जगह पर सर्जरी के लिए मना कर दिया गया था, पर ऐसे पेशेंट्स को अगर हम सर्जरी ऑफर नहीं करते तो उनका लाइफ स्पैन एज पर डेटा इज़ नॉट बियॉन्ड एक साल से ज़्यादा वो नहीं जी पाते। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट का भी था, किडनी हो गया था, प्रॉब्लम था उनको। तो हम लोग थोड़ा सा बहुत वो थे, लेकिन सर के उससे ऑपरेशन हुआ, मेरे को हमें काफ़ी मतलब हुआ। उसके बाद स्टोन का हुआ उनका ऑपरेशन, हमने उनका मैक्स हॉस्पिटल में इवेल्यूशन करा। उसके ऊपर इवेल्यूशन में हमें पता लगा कि उनके दोनों गुर्दों में भी बड़ी बड़ी पथरियाँ हैं। तो पथरियों के साथ ब्लैडर कैंसर एक मुश्किल डिसीजन था कि किस बीमारी को पहले टैकल करा जाए। ट्रीटमेंट अच्छा मिला, हम उससे बाद में बहुत उन्होंने बेटर फील किया। फिर उसके बाद उनको किडनी प्रॉब्लम भी है, किडनी में स्टोन थे उनके। उसके बाद भी फादर के 2-3 ऑपरेशन हुए। ये सारे हमने डॉक्टर दीपक करके कांटेक्ट में ही करे, और अभी आप रिजल्ट देख रहे हैं, फादर बिल्कुल ठीक हैं। तो सिंस कैंसर एक ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, अगर हम उसको नहीं टैकल करते तो उसके रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस मतलब ब्लैडर को छोड़ के खून के जरिए कहीं और ऑर्गन्स में जाने का रिस्क हाई था। फिर मेरे 14 अगस्त को फिर तीसरा ऑपरेशन हुआ किडनी का, और जितने भी मेरे पेचे से थे वो पत्रिका जो पीछे से वो सब निकाल दे। अभी मैं 18-19 अगस्त को मैं डिस्चार्ज हो गया, जब से मैं अभी ठीक हूँ। तो आज की डेट में पेशेंट बिशन बहादुर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ डूइंग हिज रूटीन लाइफ, एंजॉयिंग हिज रूटीन लाइफ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.